हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप का हीटिंग टेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम दो तरीके से इसका हीटिंग टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, इस लैपटॉप के अंदर हमने मल्टीपल टैब्स खोल लिए हैं। एक साइड में यहाँ पे वी एस कोड खुला हुआ है जिसमें मैं कोडिंग कर रहा हूँ, दूसरी साइड में यहाँ पे यूट्यूब खुला हुआ है, तीसरी साइड में यहाँ वी एल सी प्लेयर चल रहा है, चौथी साइड में विंडोज़ मीडिया प्लेयर, यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, साथ में दोस्तों यहाँ टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है एंड साथ में इसका वाईफाई भी ऑन है एंड कुछ और एक्स्ट्रा टैब भी खुले हुए हैं। एंड दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो लैपटॉप है ये एक्सट्रीम मल्टीटास्किंग करने पर कितना हीट हो जाता है, कितना गर्म हो जाता है, और साथ में दोस्तों जब आप इस लैपटॉप को चार्ज पे लगाते हो उस टाइम पर ये जो लैपटॉप है कितना हीट होता है। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इस रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप के हीटिंग इशू के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोग मेरे चैनल पर नए आए हो और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूं। एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है हम इस लैपटॉप के अंदर मल्टीटास्किंग करते करते। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितने सारे टैब जो है वो ओपन किए हुए हैं। अभी आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोस्तों पूरे के पूरे 10 टैब जो है मैंने उसको ओपन किया हुआ है इस लैपटॉप के अंदर। भी आप देख पा रहे हैं वी एस कोड भी काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैंने 3-3 वी एल सी प्लेयर चला रहे हुए हैं। देखो वी एल सी प्लेयर, मीडिया प्लेयर, यूट्यूब वगैरह चलाया हुआ है। एंड दोस्तों अभी आप टाइमिंग देख पा रहे होंगे, टाइम हो चुका है 37 मिनट इस लैपटॉप के अंदर मल्टीटास्किंग करते करते। एंड दोस्तों सी पी यू की जो फैंस है वो हल्की हल्की तेज़ आवाज़ करने लगे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं दोस्तों। एंड टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रोक्स 45 to 46 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जा रहा है अभी सारे सीपीयूज़ का। मेरे पास दोस्तों जो वेरिएंट है वो है इंटेल i5 11th generation, तो ऐसे में इस लैपटॉप के अंदर 4 कोर आपको देखने को मिलते हैं और जो चारों कोर्स हैं दोस्तों उनका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्स 45 to 46 डिग्री अभी जा रहा है। एंड दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लैपटॉप है ना इसके अंदर मल्टीपल मैंने टैब्स ओपन कर लिए, उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको एकदम मक्खन देखने को मिल रही है दोस्तों। ये देखो दोस्तों पूरे 40 मिनट हो चुके हैं इस लैपटॉप के अंदर मल्टीटास्किंग करते करते। मैं मैनुअल बताता हूँ, देखो फिजिकली टच करके इसको बेसिकली दोस्तों कहीं से भी मुझे ज़्यादा गर्म फील नहीं हो रहा, मतलब कि गर्म तो मुझे फील हो ही नहीं रहा। अगर मैं देखूँ वापस चेक करता हूँ, ठीक है, कीबोर्ड्स के बटन, इसका जो ट्रैक पैड है नीचे के साइड से दोस्तों, स्क्रीन वगैरह, दोस्तों कुल मिलाकर के अभी तक तो दोस्तों 40 मिनट में ये लैपटॉप बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मल्टीटास्किंग करने पर ये जो लैपटॉप है रियलमी स्लिम बुक ये हीट नहीं होता। अभी देखते हैं अपन इस लैपटॉप को जब हम चार्ज करते हैं, बेसिकली इस लैपटॉप के अंदर मात्र 7% बैटरी बची हुई है, तभी इस लैपटॉप को दोस्तों मैं पूरा 100% चार्ज करके देखता हूँ एंड ये आपको बताऊँगा कि ये जो लैपटॉप है चार्जिंग के टाइम पर हीट होता है कि नहीं होता। सबसे पहले दोस्तों इस लैपटॉप को मैं चार्ज पर लगा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है इस लैपटॉप को चार्ज लगाया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि कैसा क्या इसका टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको ओपन करके देखता हूँ एंड फिजिकली टच करके देखता हूँ ये जो लैपटॉप है गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों बाहर से तो दोस्तों बिल्कुल भी ये जो लैपटॉप है बिल्कुल मुझे गर्म नहीं लग रहा। इसको थोड़ा उठा के भी नीचे से देख लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो लैपटॉप है बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। और आपको बताना चाहता हूँ, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है इस वजह से भी जो लैपटॉप है इसकी गर्म होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। एंड अभी दोस्तों टेम्परेचर मैं चेक करके बताने वाला हूँ इस लैपटॉप के अंदर के भाई सीपीयू का क्या टेम्परेचर चल रहा है अभी। एंड अभी चार्जिंग पे भी लगा हुआ है दोस्तों, चार्जिंग की बात करूँ कि चार्जिंग कितना हो गया इस लैपटॉप के अंदर तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों 100% चार्ज हो चुका है लैपटॉप, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरे में 100% लैपटॉप चार्ज हो चुका है। एंड अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि भाई इसका टेम्परेचर क्या चल रहा है सीपीयू का। दोस्तों अप्रोक्स अभी आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, 38, 39, 37 एंड अभी थोड़ा बढ़ गया बीच में, अप्रोक्स आप मान सकते हो 38 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चल रहा है दोस्तों इस लैपटॉप का भी। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने वीडियो में यहाँ तक देखा कि हमने रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप पे दो हीटिंग टेस्ट किए। नंबर वन के अंदर मैंने जो है रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप के प्रोसेसर पे इतना ज़्यादा लोड डाल दिया, मल्टीपल टैब्स ओपन कर लिए, एप्लीकेशन ओपन कर ली, वी एल सी प्लेयर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ओपन करने के बाद लगभग दोस्तों 10 से 12 टैब मैंने ओपन कर लिए रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप के अंदर। सारा का सारा जोर देने पर हमने ये जाना कि जो रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप पे मल्टीटास्किंग के अंदर ज़्यादा हीट नहीं होता, नॉर्मल इसका टेम्परेचर रहता है अप्रोक्स
45 to 46 डिग्री रहता है। एंड दोस्तों सेकंड टेस्ट के अंदर हमने देखा कि रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप को अगर आप चार्ज पे लगाते हो लगभग एक घंटे तक, जब ये 100% चार्ज होता है तो उसके दौरान ये जो रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप है ये ज़्यादा हीट नहीं होता है, इसका जो टेम्परेचर है अप्रोक्स आपको 38 to 40 डिग्री ही देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों रियलमी स्लिम बुक लैपटॉप के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता। एंड दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी छोटी सी बनाई वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सच में थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए और मेरे वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो यार, नीचे लाल बटन दे रखा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।